सो हेलो गाइस, मेरा नाम श्याम है और आप देख रहे हैं टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एम्पलीफायर से ही अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं कि कैसे आप अपना एम्पलीफायर चार्ज कर सकते हैं। मान लो दोस्तों, आप अपने घर में या कहीं भी अपने एम्पलीफायर से सॉन्ग प्ले कर रहे हो और अचानक उसी वक्त आपके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है, तो आप उस वक्त क्या करोगे? आप जाके फ़ोन चार्ज पे लगाओगे तो फिर आप सॉन्ग कैसे प्ले करोगे? तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सॉन्ग चलाते चलाते अपने फ़ोन को कैसे चार्ज कर लोगे अपने एम्पलीफायर की मदद से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस बॉक्स के इस ढक्कन को। और फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर में हमारे पास है 4440 IC, डबल IC की किट है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रही है। और ये थोड़ी गंदी हो गई है क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसे साफ़ नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको कनेक्शन बता दूंगा कैसे ऐसे करने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे ये जो IC है, ये IC है 7805। 7805 का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई देती है, जिससे कि हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल या फिर जो ये जो हमारा छोटा सा यहाँ पे मीटर लगा रहता है वो काम करता है। तो दोस्तों, आपके पास अभी एक कन्फ्यूज़न आ रही होगी, ये जो 5 वोल्ट देता है, और यहाँ पे मैं आपको पलट के दिखाऊँ तो यहाँ पे USB का दिख रहा होगा आपको, ये देखिए आपको दिख रहा होगा USB का यहाँ पे। दोस्तों, ये रहा USB का जो पोर्ट होता है USB का। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे, हम अगर कहते हैं हम डायरेक्ट इससे भी तो चार्ज कर सकते हैं, इसके अंदर डाटा केबल लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल से सोचने की बात है, ये जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई दे रही है ये IC, ये इस किट को दे रही है, और ये इस किट को पावर सप्लाई दे रही है, जब भी तो हम इससे, यही किट तो हमारी सॉन्ग प्ले करती है ऑक्स के जरिए या फिर ब्लूटूथ के जरिए। और सोचिए, अगर हम यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज करने लगे तो इस किट के पास क्या पावर सप्लाई जाएगी? तो दोस्तों, यही एक फंडा है जो इसके अंदर है। अगर अपना फ़ोन चार्ज में लगाते हो तो आपका फ़ोन चार्जिंग तो शो करेगा, लेकिन आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। जितने परसेंट पे बैटरी रहेगी उतने ही परसेंट पे बैटरी होगी, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरे ये जो कनेक्शन है ये इसके अंदर कनेक्शन नहीं हो रखे, मैं खाली ऑक्स से चलाता हूँ। यहाँ से पीछे 3 इनपुट के वायर हैं और मैं इससे ऑक्स से ही चलाता हूँ। तो ये IC अभी किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे काम की बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपके इस IC से कनेक्शन हो रखे हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल में, तो आप सिंपल से एक काम कर सकते हो, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, आपको ऐसी एक और IC चाहिए होगी और उसके कनेक्शन करके आप इसी के अंदर वो USB वाला पोर्ट लगा के आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सो गाइज, इस IC का मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि जो आपके एम्पलीफायर में ये IC होगी वो यूज़ में होगी, इस IC से आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल या फिर MP3 प्लेयर कनेक्ट होगा। तो मैं अलग से मैंने एक एक्स्ट्रा IC ले ली है, जिसकी वैल्यू भी यही है, सेम IC है फ्रेंड्स, 7805। अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा फोकस नहीं ले पा रहा है, तो मैं फिर भी इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ, 7805 इस IC की वैल्यू है फ्रेंड्स। 7805 आती है, 7809 आती है, और 7812 आती है फ्रेंड्स। इसके जो लास्ट वाले नंबर है उसी से हमें पता चल जाता है, जैसे कि 7805 है तो 5 वोल्ट पर आउटपुट देगा, 7809 है तो 9 वोल्ट आउटपुट देगा, और 7812 है तो 12 वोल्ट आउटपुट देगा फ्रेंड्स। इसकी जो फर्स्ट पिन है, आपको मैं दिखा पाऊँ, इसकी जो फर्स्ट पिन है, यहाँ पे आप अगर 12 वोल्ट भी पावर सप्लाई दोगे तो इसकी जो लास्ट पिन है वहाँ से आपको 5 वोल्ट ही पावर सप्लाई मिलेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बीच का पिन जो है इसकी ग्राउंड है, ये यहाँ से आप 12 वोल्ट प्लस दोगे तो यहाँ से 5 वोल्ट प्लस निकलेगा, और ये बीच का ग्राउंड है। मैं आपको एक पेपर पे समझा देता हूँ कि कैसे इसके पिन आप आइडेंटिफाई करो और कैसे आप इसके कनेक्शन करो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पूरे मतलब पूरा सर्किट डायग्राम बना लिया है आपको समझाने के लिए। तो ये हमारी 7805 की जो IC है वो ये रही, और इसकी जो फर्स्ट पिन, सेकंड पिन, थर्ड पिन। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ 12 वोल्ट प्लस का मैंने पहले पिन में यहाँ इनपुट दिया, और सेकंड वाला जो पिन है वो ग्राउंड माइनस का है, तो ये ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपका 5 वोल्ट आउटपुट निकल जाएगा, ये दोनों, ये प्लस का, ये माइनस का। अब फ्रेंड्स, यहाँ ये USB है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बताना भूल गया था इसके बारे में। तो ये मैंने एक USB चार्जर में से भी आप निकाल सकते हो, जिसमें आप डेटा केबल लगा सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो प्लस माइनस है वो कैसा है। दोस्तों, अगर मैं इसे अपनी साइड रखता हूँ,
देखिए, अगर इसे मैं अपनी साइड रखता हूँ तो इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वो प्लस का होगा और राइट वाला हिस्सा होगा वो माइनस का होगा। और इसे मैं अगर आपकी साइड रखता हूँ तो जो राइट वाला हिस्सा होगा वो प्लस का होगा और लेफ्ट वाला जो हिस्सा होगा वो माइनस का होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ प्लस का निशान है। तो ऐसे ही इसके अंदर कनेक्शन कर लेने हैं फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको पूरे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे कनेक्शंस कर लिए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने पहले ही कनेक्शंस कर लिए और मैं आपको अब धीरे धीरे दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कनेक्शन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा USB पोर्ट जो कि यहाँ लग गया है और यहाँ हम डेटा केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे आप अपने अनुसार कहीं भी फिट कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारी एरी IC और पूरे कनेक्शंस हो गए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसका पहले पिन का तार जो कि 12 वोल्ट प्लस में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर से, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। और ये हमारी IC लगी हुई है और मैं आपको अब चेक करके दिखा देता हूँ कि कितने इसमें पावर सप्लाई आ रही है एक मल्टीमीटर के जरिए, और फिर आपको अपना फ़ोन चार्ज करके भी दिखाऊंगा। सो गाइस, हमारे एम्पलीफायर में पावर सप्लाई आ गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे LED ग्लो हो रही है। अब मैं आपको मल्टीमीटर के जरिए चेक करके दिखाता हूँ कितनी पावर सप्लाई आ रही है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, आपको इसके अंदर हीट सिंक लगाना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह IC हीट हो रही है, इसलिए आप ऐसा हीट सिंक इसके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे अब पावर सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ कितनी पावर सप्लाई आ रही है। तो अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ, आप मल्टीमीटर में देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी मैंने चेक किया था, ये देखिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई आपको दिख रही होगी मल्टीमीटर के अंदर। तो आप फ्रेंड्स, मैं आपको इससे अपना फ़ोन चार्ज करके भी दिखाऊँगा और उसकी परसेंटेज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं अपने डाटा केबल ले लेता हूँ और अपना फ़ोन लेके आ जाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मेरा जो डाटा केबल है वो मैंने यहां कनेक्ट कर लिया है। आपको दिख रहा होगा ये रहा हमारा डाटा केबल, मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है। और ये रहा मेरा फ़ोन फ्रेंड्स, और ये रहा डाटा केबल का, वो आप देख सकते हैं वही वायर है फ्रेंड्स, कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा मैं। दोस्तों देखिए, अब मैं इसे लगाता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने लगाया तो आप ऊपर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में 60% बैटरी है। और ये देखिए यहाँ पे बैटरी चार्जिंग शो हो रहा है, ये हरा हरा जो ऊपर बढ़ रहा है ये मतलब मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। अब मैं इसे कुछ देर तक ऐसे रख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये 60% से कितने परसेंट आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हिल जा रहा है, मेरे डेटा केबल में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये देखिए थोड़ा हो रहा है। अब मैं इसे ऐसे रख देता हूँ और कुछ देर बाद मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कम से कम इसे 5 मिनट तक चार्जिंग पे लगा के रखा है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बैटरी है वो 62% हो गई है। तो इससे आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, आप देख सकते हो डेटा केबल यही लगा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।